साबरकुंडलामां सद्भावना ग्रुप द्वारा गणेश महोत्सव अंतर्गत सौ प्रथमवार आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्यु हतुं। साबरकुंडलामां सद्भावना ग्रुप द्वारा गणेश महोत्सव अंतर्गत सौ प्रथमवार आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्यु हतुं। समग्र देश जयरे आजादी 75 वर्ष की उजवनी करी रह्यो छे त्यारे सद्भावना ग्रुप साबरकुंडला द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम नो भव्य आयोजन करवामां आव्यु हतु। कार्यक्रम में स्टेज पर भारतीय राष्ट्रध्वज तेमज भारतीय सेनाना प्रतीक रूपे जवानोना स्टेच्यू मूकी स्टेज ने अद्भुत शणगारवामां आव्यु हतु। कुमारी काव्या पंकजभाई चौहाणे भारत माताની वेशभूषा धारण करी लोकोने मंत्रमुग्ध करी दीधा हता। सुंदर कार्यक्रम ने माणवा हजारोनी संख्यामां जनमेदनी उमटी पड़ी हती अने दर्शननो लाभो लई धन्यता अनुभवी हती। काना तळावना शिव दरबार आश्रमना परम पूज्य संत श्री उषा मैया पण उपस्थित रह्या हता अने लोकोने आशीर्वाद पाठव्या हता। सद्भावना ग्रुप छेल्ला 21 वर्षथी सेवाकीय प्रवृत्ति सावरकुंडलानी अंदर कर रही है। ये परम पूज्य उषा मैयाना सानिध्य में चाली रही है। आ ग्रुप अने 8 अलग अलग प्रकार की हेल्पलाइनों चाले छे। आज संदर्भे सद्भावना ग्रुप छेल्ला 15 वर्षथी गणेश महोत्सव उजवे छे। आ गणेश महोत्सवनी अंदर छेल्ला 15 वर्षथी अलग अलग प्रकारना रोजना दर्शन होय अने सामाजिक मेसेज पण होय छे। आजे भारतनी अंदर 75મો અમૃત મહોત્સવનો ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે સદ્ભાવના ગ્રુપે એવું નક્કી કર્યું કે આજે આઝાદીનો મહોત્સવ ઉજવો અને સાવરકુંડલા અને સમગ્ર ભારતની અંદર આ મેસેજ જાય કે હરેક ગણપતિ પંડાલની અંદર આવો ગણેશ મહોત્સવ ઉજવાય એવી સદ્ભાવના ગ્રુપ સર્વોને વિનંતી કરે છે। જય ગણેશ।